अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं गुफरान बिन याकूब कासमी। केरला से मक्कतुल मुकर्रमा तक 2023 के हज के लिए जाने वाले शिहाब साहब को तो आप हजरात बखूबी जानते होंगे, लेकिन कल बतारीख 31 जुलाई 2022 को एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक साहब हैं जो अपना झोला झाकड़ा उठा के पैदल हज करने जा रहे हैं। रास्ते में किसी ने उनकी वीडियो बना ली और उनसे कुछ सवाल भी किए, वो वीडियो मैं आपको सुनाऊँगा, दिखाऊंगा अभी आखिर में। इससे पहले आपको बता दें कि शिहाब साहब से मुतालिक सोशल मीडिया पर इतनी फर्जी और बेबुनियाद खबरें चल रही हैं, जिसे देखकर और सुनकर ऐसा लगता है कि हम कितने गिर चुके हैं कि एक आशिक रसूल के साथ इतना बड़ा मजाक बना दिया है कि जिससे दीन का भी मजाक उड़ाया जाता है। शिहाब साहब के लोकेशन को लेकर इतनी फर्जी खबरें चल रही हैं कि यूट्यूबर हजरात शिहाब भाई को पाकिस्तान तक पहुँचा चुके हैं। खैर, ये सब बातें इसलिए बर्दाश्त की जाती थी कि सब ने शिहाब को जिंदा होने की हैसियत से बरकरार रखा था, लेकिन अब तो यूट्यूबर हजरात ने सारी हदें पार कर दी और शिहाब साहब के मुतालिक इतनी भयानक खबरें चला दी कि शिहाब भाई पर हमला हो गया, उनके ऊपर गोली चल गई, उनका कत्ल हो गया, मतलब इस तरह की वीडियो यूट्यूबर हजरात अपने चैनल पर चला रहे हैं। नाज़रीन, आपको बतला दें कि भाई शिहाब ना तो पाकिस्तान पहुँचे हैं और ना ही उनके ऊपर हमला हुआ है और ना ही उन पर गोली चली है, बल्कि शिहाब साहब अल्हम्दुलिल्लाह सही सालिम हैं, तंदुरुस्त हैं और फिलहाल इंडिया के सूबा गुजरात के शहर मुदासा में हैं। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला भाई शिहाब को तमाम आफतों से, तमाम बलाओं से उनकी हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, इससे मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर रोज़ हालात हाजिरा पर मुख्तसर न्यूज़ के लिए कम वक्त में बड़ी खबर पाने के लिए हमारा चैनल गुफरान बिन याकूब कासमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।